चला गया है, तो मुझे तांत्रिकों के पास ले जाते हैं। तो तांत्रिक बोलता है श्री माली जी के पास ले गए, जो बड़े मशहूर टीवी में भी आते हैं। उन्होंने बोला 7,000 रुपया दो। उस टाइम 7,000 की कीमत थी। सात मांगे कि पता नहीं कितने मांगे, ऐसे अब पूरा याद नहीं है। तो मैंने बोला ये हरे राम कृष्णा में वो ठहरे हुए थे। मैंने बोला कि मैं 7,000 आपको डायरेक्टर को देती हूँ, लेकिन आप बुला के दिखाएंगे। बोले नहीं, वो पहले बाद में नहीं, हमें पहले चाहिए। तो मैंने कहा फिर मैं भरोसा नहीं करती आप बुलाएंगे कि नहीं, जब आप मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे यस तो मैं कैसे करूँगी। बिल्कुल तो मैं इन बातों में दूसरों के, जो बुरे टाइम में लोग सब हावी हो जाते हैं, मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्या बात है, क्या बात। ना ज्योतिषों को ना कुछ। अच्छा मैंने बोला ये तो इस टाइम ये लूटेंगे मेरे को सब। तो आपको लगता था कि ओशो, एक तांत्रिक मेरे पास आया, बोलता हाँ मैं 1 लाख रुपया लूंगा, आपसे मैं कम ले लूंगा, आप ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, पर आपका बेटा बुला के दिखाऊंगा। और मुझे डराने लग गया, आपके तो गोदी सिर नहीं मिलेगा ना बेटे का, तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो मैंने बोला इस बात की बात आप फिक्र मत करो, मेरी मुक्ति, मैं नाले में भी गिर जाऊं तो भी मैं मुक्त हूं, क्योंकि मेरा ऐसा गुरु है जो जीवन में मैं मुक्त होगी तो शरीर कहां भी पड़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना यस मैं डरती नहीं थी किसी से, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे कोई हो, ओके। डर मेरे अंदर नहीं था किसी से। तो ये निडरता आपको ओशो ने दी? वो तो उनके पास, अच्छा उनके प्यार में प्यार में प्रेम इतनी पवित्र चीज है जिसको लोग समझ नहीं सकते, सब जिस्मानी प्रेम समझते हैं, जिस्मानी प्रेम समझते हैं। लेकिन ये और चीज है यस यस जो यस कि बोली नहीं जा सकती। ये क्या प्रेम है, कैसे होता है मालूम नहीं है, पर अगर प्रेम और श्रद्धा है, ध्यान है आपके पास, तो आपको दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मैंने इतनी ये लोगों के चक्रों में मैं पढ़ी नहीं, अक्सर लोग पढ़ जाते हैं। अक्सर पढ़ जाते हैं। जब हमारी सीधी डायरेक्ट हम परमात्मा से मिलते हैं, पुकार करते प्रार्थना करते, जब हमारी नहीं सुनता तो पंडितों की क्या सुनेगा, सही बात है। ज्योतिषियों की क्या सुनेगा, यस या यस तांत्रिकों की क्या सुनेगा। ठीक मैं एक माँ की पुकार नहीं सुन सकता तो फिर किसकी सुनेगा। क्या बात है, बात बात बहुत बढ़िया। तो तो हाँ इजाजत, अगर आप इजाजत दें, आपकी ये बेटे वाला पूरा हो गया, इसमें नहीं और भी अभी आपको कुछ है, कहना है? अभी तो अभी है। है तो उस पर फिर आएंगे, उसके बाद उस पर आएंगे। मेरा, जब मैंने, मेरे अंदर ये आ गया कि बेटा ना लेके आई थी ना ही लेके जाने वाली हूँ, जिस इस खेल, मेरा खेल ऐसे ही बनाया, जैसे पिक्चरों के खेल होते हैं, अदा करते हैं एक्टर, हाँ हम भी तो परमात्मा का खेल अदा कर रहे यस, हैं किरदार और है हमारा। परफेक्टली करना चाहिए जो उसने हमें दिया है, उसमें हम, हमारी परफेक्शन होनी चाहिए एकदम अच्छी तरह, जो परमात्मा के हुक्म में हम चलना चाहिए। तो मेरे अंदर ये हुआ तो फिर मुझे ये ख्याल, एक तरह जैसे ना तसल्ली अंदर, एक शांति, गहरी शांति मुझे उनके दर्शन के बाद महसूस हुई। हाँ, लोगों को कैसे गुरु की नजर नहीं मिलती, हमें तो मिली, हमारा तो बेड़ा पार हो क्या बात गया है, बहुत हमें बढ़िया। तो इतने मुश्किल से उसने निकाला है एक माँ को। मैं पागल भी हो सकती है माए, ऐसा बेटा जवान चला जाए जिसका पागलपन आ जाता है, अच्छा पर बेटा, इतनी शक्ति आपका बेटा उसने आपको दी छोड़ के है। चला गया, उसके पीछे की वजह क्या है? वो उस कहानी आपने पहले बताई थी, पत्नी से झगड़ा हाँ, हुआ वो था, मियाँ बीवी का वही है या झगड़ा कुछ हुआ? और उसके आगे बढ़ने नहीं की? नहीं वो झगड़ा हुआ था आपस में उनका, और ये जब पैदा हुआ था तो इसकी पत्री हुशियारपुर में हमने बनवाई थी, अच्छा तो 100 साल का बूढ़ा था, तो उसने रेड लाइन में लिख दिया था ये लड़का घर पे रहने के आसार नहीं नजर आते, छोड़ देगा, चल ये चला जाएगा, ये माँ बाप का साथ नहीं है इसका। तो उस बात में पत्रियों को मैं मान सकती हूँ कि भी कुछ रहा। तो ग्रहों के नक्षत्रों में है, हाँ शक्ति है है, ज्योतिष ज्ञानी। और है भी, ऐसी बात नहीं, हमारा शरीर तो नक्षत्रों के हिसाब से बना लेकिन है। छोड़ के कहीं चला जाए एक अलग बात है, हाँ, जीवित तो है, लेकिन आपका बेटा तो जीवित ही नहीं है ना, वो तो कहां से लाएंगे छोड़ के? किसने मालूम मार नहीं दिया, ना क्या आप किया? क्या बोल सकते हैं जीवित है या नहीं है। हाँ, वो हरे कृष्णा में, गोविंदा में मैनेजर था,
अच्छा, तो जब छोड़ के आपको गया तो हाँ, तो इस्कॉन में, गीता पढ़ता था, और उसने पहले बियर छोड़ी, क्योंकि हाँ उसके फादर लेते थे, तो बेटे को भी था, वो भी बियर, लेता था, कोई हाँ कभी कभी ले लेता था। और फिर उसके बाद उसको सिगरेट की आदत थी, अच्छा तो जाने वाले दिन उसने बताया ही नहीं कि मैं आज जाने वाला हूँ। मुझे ऐसे ही, मेरे पास पैसे रखता था, तो बोलता 100 रुपया मम्मी देंगे, मैं निकाल लो बेटे। तो मैंने बोला आ जाना, तेरी आज बहन की शादी हुई तो जवाई भी आ रहा है घर पे, ये इनका खाना था नीरू और उसके हस्बैंड का, अच्छा तो आ जाना। अच्छा वो बेटे नीरू से कितने छोटे थे? बड़े बड़े थे, थे, 3 पौने 3 साल। 3 साल, पौने 3 साल बड़े थे। अच्छा तो वो बोलता है अच्छा, चप्पल में ही गया, वो रबर की चप्पल कोई पहनी प्लानिंग थी। करके नहीं गया, कि कपड़े नहीं पैक नहीं करके नहीं ऐसा गया? कुछ नहीं, ना ही कुछ लेके गया, पासपोर्ट भी इसका यहाँ सब यहाँ, नहीं तो उसके साथ कोई हादसा हुआ होगा। मुझे नहीं मालूम। जो उसकी तकिए के नीचे गीता पड़ी थी, जो कभी नहीं पढ़ता था, गीता रखी इस्कॉन हुई में थी कभी गीता नहीं पढ़ता इस्कॉन में, जब से लगा वो गीता अपने तकिए के नीचे रखता था। था? अच्छा। और सिगरेट ड्रिंक छोड़ी, मतलब बियर छोड़ी उसने, फिर उसने सिगरेट भी छोड़ी। और बोलता है मम्मा देखो आज मैंने बियर छोड़ी है, तो मेरे दोस्त मेरे को जबरदस्ती मुफ्त में पिलाते ये होता कहता है दोस्त लोग भी कैसे होते, जब मांगो तो मिलता नहीं है, नहीं मांगो तो बोलेंगे आज यार मेरी तरफ से, क्यों तेरी तरफ से, बोलता है मैं जान पीना ही नहीं चाहता। मतलब ऐसा हमने कभी रोका नहीं उसको, तू मत पी, लेकिन आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं था, कोई, तो मेरे को तो बहुत प्यार करता था। और कभी उसने ऐसा आभास भी नहीं दिया कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा, नहीं या उसकी व्यवहार से कभी आपको ऐसा नहीं लगा? वो पत्नी उसकी बोलती थी हम अलग रहे हैं, तो अच्छा। मैंने कोशिश की, मैंने कहा ये घर बेच के दो फ्लैट ले लेंगे बाजू बाजू के, नहीं हम आधा आधा करके बच्चों को एक फ्लैट, मैं भी चाहती थी ये खुश रहे। मैं उस तरह की माँ नहीं थी कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हर एक की फ्रीडम है, यस, बहुएं भी चाहती है हम लोगों को अकेले फ्रीडम रहे। मिले, तो मैंने कोशिश की, नहीं हुआ। अभी वो एकदम से तो मकान नहीं ले सकता था ना, तो वो ऐसा नहीं हुआ, तो वो गई तो 5 महीने आई नहीं। और ये है कि जाने से पहले, एक दिन पहले कहते 1 घंटा वो रोड पर खड़े थे, और उसने बोला तू वापस आने वाली है कि नहीं, तो उसने बोला जब तू घर लेगा तभी आऊंगी। मेरा कोई उसकी बहू से कोई द्वेष या झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी मेरा उनका पति पत्नी का होगा, और मैं उसको भी दोष नहीं देती, जो नसीब में होता है वो होता है, हम लोग किसी को ब्लेम क्यों करें, वो लड़की को भी क्यों करें। मैंने कभी नहीं सोचा अभी उसने शादी कर ली है तो वो बेटा या गया नहीं, तो वाइफ भी चली गई, अब उसका उनकी आती है बच्ची भी संपर्क थी में, छोटी, बच्ची को देती नहीं थी हमारे को, वो भी अभी नहीं है आपके पास? ना मैंने पता किया है, पता ही हुआ, जब और ना वो मूली खुद आई। मूली नहीं है तो ब्याज कहाँ से, ओके ओके उसको भी मैंने क्या करना। उसने बोला मैं बेटी को दिखाऊंगी नहीं, तो मैं बोला संभाल लो। ओके 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 जब उसको विरोध आ गया, हस्बैंड से हो गया, तो मेरे से भी नेचुरली राइट हो राइट जाएगा, वो नेचुरल है, तो मुझे कोई गिला नहीं, ना बहू चलिए से, ठीक है। उसकी तो वजह आप से गया, कारण कुछ भी बन सकता है ना। तो अभी हम इसको यहाँ खत्म और करेंगे। फिर उसके बाद मैं घर आ गई, और मेरा रोना वोना कुछ हुआ नहीं मुझे, मैं सबको यही बोलती थी मेरे खेल में ऐसा ही लिखा है। और जब भी उसको आना है, और ओशो ने इसका उत्तर दिया, वो हाँ मौत बहुत जरूरी है। बोलिए। ओशो ने तब मिलते नहीं थे, पहले तो बुला के बोलते थे, लेकिन इतनी पब्लिक होने के कारण थोड़ा मिलना कम हो जाता था, तो उन्होंने नीलम के हाथ मेरे को लेटर का उत्तर भेजा कि सरिता माँ मेरे को सोनी बुलाया करते थे, सोनी, हाँ तो वो आके बोलने लगी सोनिया कौन है, सोनिया कौन है, तो मैं बोला मैं ही सोनी हूँ, जिसने पत्रकार लिखा था मैं ही हूँ, मैं ओशो मुझे सोनी बुलाते थे, तो फॉरनर मुझे सोनिया करके सोनिया बोलते थे। सर, तो मैंने बोला कि कहते आपका ओशो ने उत्तर दिया है, आप सुन लो। वो मेरे को बोली, बोले ओशो ने बोला है कि तेरा बेटा जो गया है, मैंने बोला मैं अभी उसकी खोज करूं कि नहीं करूं, या क्या मतलब आएगा भी कि नहीं, ये मुझे जवाब चाहिए आपसे, ताकि मैं भटकू नहीं, यस, वो मेरा सवाल था ओशो को पत्र में। उन्होंने बोला कि नहीं,
तुम अभी खोजना नहीं, ऐसे बोला। उसका तेरा इतना ही साथ था। अच्छा, गोशो ने भी यही बात। और अभी तू मुझे मालूम है कि तू एक पूर्ण माँ है, तूने अपने फर्ज पूरे किए, अपनी सेक्रीफाइस तूने जो किया है वो मैं जानता हूँ। ओशो ने ये सवाल किया, तू अपने मन में कभी नहीं लाना तेरी वजह से मेरे, मैं तो सोचती भी नहीं थी, पर उन्होंने और भी फ्री कर दिया मुझे। तो तेरी वजह से नहीं गया, तूने बच्चा पढ़ाया पाला, शादी भी की, उसका बच्चा भी संभाला 2 साल, और अभी उसकी बारी थी तेरी सेवा करने के लिए। अब उसका कर्म उसके साथ, वो सेवा नहीं करेगा तो उसकी मर्जी। तुम तो तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं, वो भी मैं जानता हूँ। ये ओशो ने मुझे वर्ड बोले, तुझे अपेक्षा नहीं, सच में मुझे नहीं है किसी से सेवा लेने की या कुछ, मैं नहीं चाहती कोई मेरी सेवा करे। नॉर्मली होता है माँ बाप जो है बच्चे को बड़ा करते हैं, पालते हैं, नहीं उम्मीद होती है हमें कोई अपेक्षा। अगर सच में परमात्मा का वो गुरु का भक्त है तो वो गुरु पहले ही सिखाता है कि कुछा किसी से मत करो, करो कर्म और उसकी वापसी की कोई अपेक्षा नहीं है। कि भगवान से भी नियम करते कि वो हमारे लिए ये नहीं किया वो नहीं, तो शिकायत से भर रहेगा, शिकायत से भर जाएंगे। ठीक है, स्वीकार भाव नहीं आपको आएगा। स्वीकार भाव तभी आता है जब आपकी कोई अपेक्षा नहीं होती। आप पूजा करते हो, प्रे करते हो, भगवान मानता है नहीं मानता उसकी मर्जी। चलिए माँ, अभी वक्त हमारा एपिसोड का समाप्त हो रहा है तो हम आपसे लेंगे इजाजत। और मैं समझता हूँ नहीं, एक मेरी और छोटा सा पॉइंट है, जब वो तांत्रिक मुझे आके बोलता है तेरी मुक्ति नहीं होगी, मैंने कहा मेरी मुक्ति तो नाली में भी मैं गिर जाऊंगी ना तो भी मेरी मुक्ति होगी, ये कनेक्टेड है बात। यस यस, तो मैंने बोला मेरा गुरु बोलता है कि तुझे कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। तो उसने देखा कि ना ये डरी है, मृत्यु के टाइम गोड्डा नहीं मिलेगा, पंजाब हिंदू लोग बोलते ना गोड्डा बेटा देता है तो मोक्ष ही मिलती है। अरे जब हमने अपनी जिंदगी में मोक्ष नहीं पाया तो बच्चे क्या मोक्ष देंगे, या राम नाम सत बाद में बोलेंगे तो क्या फायदा, मुर्दा थोड़ी सुनता है। हमें अपने आप को सत्य करना है जीवन में। तो वो हैरान हो गया वो तांत्रिक के ये औरत कितनी जबरदस्त है, मतलब हार गया वो। हाँ हाँ। तो उसने बोला मुझे भी ऐसे गुरु के पास ले चलो। क्या बात है, ये मेरी बात हुई एक बेटे की। हाँ, कहानी दोस्तों, ये है सरिता माँ जो अपने बेटे की दास्तान सुना रही थी, और ये ऐसी जिंदा दिल महिलाएं आपने शायद नहीं देखी होंगी कहीं। तो ये है इंडिया आजकल जो आप देख रहे हैं, और हमारे साथ में है सरिता माँ। हमारी बातचीत इनसे आगे भी जारी रहेगी, फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया आजकल। थैंक यू। ये वो तांत्रिक की बात से कनेक्टेड थी ना।